दिल्ली नगर निगम MCD के मेयर चुनाव से पहले ही दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। शुक्रवार को मेयर स्थायी समिति की वोटिंग से पहले दिल्ली सिविक सेंटर के अंदर आम आदमी पार्टी और BJP पार्षद आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूंसो और कुर्सी से हमला बोला। सिविक सेंटर युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया और जिसके हाथ में जो आया उसने उसी से हमला शुरू कर दिया। दिल्ली के माननीय पार्षदों की लड़ाई देखकर दिल्ली वाले दंग हैं, लेकिन सदन में हुए इस हंगामे के पीछे की वजह क्या है? दरअसल 2 महीने के इंतजार के बाद बुधवार को दिल्ली वासियों को अपना मेयर और डिप्टी मेयर मिल गया था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आज दिल्ली के सदन में माहौल गर्मा गया और माहौल इतना गर्मा गया कि सदन में धक्का मुक्की के साथ बोतलें भी फेंकने लगे। महापौर और उपमहापौर चुनाव के दौरान मोबाइल और पेन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव में उनकी इजाजत देने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। विवाद से पहले 47 पार्षदों को बैलेट पेपर इश्यू किए जा चुके थे, जिसमें से कुछ ने तो वोट भी दे दिए थे। भाजपा पार्षदों का कहना था कि पूरा चुनाव नए सिरे से करना चाहिए। वहीं पार्टी के पार्षदों का कहना था कि जो बैलेट पेपर जारी हो चुके हैं और वोट पड़ चुके हैं वह मान्य और बाकी वोट बिना मोबाइल के डाले जा सकते हैं। इसी बात को लेकर बवाल बढ़ता चला गया और सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिसको लेकर सदन को शुक्रवार तक स्थगित किया गया है।